In the name of Allah, my dear students of 9th class, Assalamu alaikum. I hope you all would be fine. Today the topic we are going to deliberate upon is deposition and withdrawing of money from the bank. Firstly, we will go to this thing that how to deposit our money in a bank. हम पैसे को कैसे डिपॉज हम मनी को जो हमारा सरप्लस मनी है हम उसको अपने अकाउंट में कैसे डिपॉजिट करेंगे. देयर आर फाइव अप्रोच फॉर दैट. फर्स्टली हमने क्या करना है, स्टेप वाइज मैं आपको समझा रही हूँ. फर्स्टली हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्रोच द बैंक वेयर यू हैव टू डिपॉजिट द कैश. हमें बैंक जाना है तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन शुड आइडेंटिफाई द बैंक एंड द ब्रांच वेयर द कैश इज़ टू बी डिपॉजिटेड. तो हमने उस बैंक पे जाना है, अपने बैंक पे जाना है जहाँ पे हमारा ऑलरेडी अकाउंट हो, जहाँ पे जिस ब्रांच पे हमारा अकाउंट हो हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमने अपनी मनी को डिपॉजिट करना है. फर्स्टली पहुंच गए आप बैंक, तो बैंक पहुंच के ही हमने दूसरा काम क्या करना है, वी हैव टू फिल अप द पे इन स्लिप. वहाँ पे हमें बैंक में एक पे इन स्लिप मिलेगी. द बैंक नीड्स अ पर्सन टू फिल अप द पे इन स्लिप. हमने वहाँ जाना है और पे इन स्लिप पे जो भी डिटेल्स है हमने वो भरनी है. पे इन स्लिप कंटेंस इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स लाइक इस पे क्या लिखा होता है, इस पे इन स्लिप पे नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर अपना नाम लिखना है, उस पे अकाउंट नंबर हमें देना है, डेट ऑफ डिपॉजिट हमने लिखना है किस दिन हमें डिपॉजिट कर रहे हैं, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड हमें अमाउंट लिखना है फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिट और हम अपना सिग्नेचर करना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है. ये हमने पेन स्लिप पे ये सारी. और जो इसका रिवर्स साइड होता है, दूसरा साइड पलटने के बाद जो भी इंफॉर्मेशंस है वो भी हमने भरनी है. द रिवर्स साइड ऑफ द पेन स्लिप कंटेन्स द इंफॉर्मेशन लाइक उस पे रिवर्स साइड में क्या लिखा होता है, नंबर ऑफ द करेंसी नोट्स, हमने कितने नोट्स डिपॉजिट करने हैं, ठीक है. द पे इन स्लिप इज़ टू बी फिल्ड इन डुप्लीकेट. लेकिन ये पे इन स्लिप्स एक नहीं बल्कि हमने एट अ टाइम दो भरनी है, एक बैंक के पास रहेगी और एक हमें वापस मिल जाएगी. तो इसके बाद बैंक में हमारा दूसरा काम क्या है, अप्रोच द रिसीट्स काउंटर. अब पे इन स्लिप हमने भर दी, वहाँ पे नीचे पड़ी हुई पे इन स्लिप से हमने भर दी, तो उसके बाद हमने काउंटर पे जाना है जहाँ पे रिसीट्स देते हैं. वंस यू हैव फिल्ड द पे इन स्लिप यू हैव टू अप्रोच द रिसीट्स काउंटर. रिसीट काउंटर इज द काउंटर मेंटेन्ड बाय द बैंक फॉर रिसीविंग द कैश ऑफ द डिपॉजिटर. तो यहाँ पे रिसीट्स काउंटर पे वो बंदे लगे हुए होंगे, वो हमारा कैश ले लेंगे और पे इन स्लिप उनको हम दे देंगे इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर. इफ़ ए चेक स्टैंड्स फॉर द काउंटर वन हैज़ टू वेट. अगर वहाँ पे कोई क्यू लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, तो आपने अपनी टर्न का वेट करना है इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, ठीक है. तो इसके बाद थर्ड थिंग जो हमने बैंक में करनी है वो है टेक द रिसीट. तो वो काउंटर पे जो बंदा होगा वो आपका ये डिपॉजिट जो भी डिपॉजिटेड मनी होगा वो ले लेगा, वहाँ पे एंटर करेगा, तो उसके बाद आपको रिसीट वापस मिल जाएगा और उसके साथ वो पे इन स्लिप एक भी मिल जाएगी आपको वापस. उसके बाद तो कीप द रिसीट एट सेफ प्लेस. जो आपको रिसीट वापस मिलेगा उसको आपने सेफर प्लेस पे रखना है, उसको उसकी सिक्योरिटी के आप जिम्मेदार है. यहाँ पे आप देखेंगे आज कल तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एडवांसमेंट हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है, तो आजकल ऑनलाइन भी थ्रू एटीएम भी डिपॉजिट करते हैं. तो एटीएम पे हम आप लोगों ने यूजुअली देखा है हम पैसे रिसीव करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे विड्रॉ करते हैं पैसे, लेकिन हम वहाँ डिपॉजिट भी कर सकते हैं. उसके लिए हमने क्या करना है, चूज़ द ऑन स्क्रीन ऑप्शन फॉर द डिपॉजिट. वहाँ पर जाना है, स्क्रीन पर हमने देखना है, ठीक है. स्क्रीन जो एटीएम कार्ड की स्क्रीन है उसको हमने देखना है. तो उसके बाद चूज द अकाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, उस पे आप एंटर अपना अकाउंट नंबर कीजिए, एंटर द अमाउंट ऑफ योर डिपॉजिट इफ नेसेसरी, जो भी आपको अमाउंट है उस पे वो अमाउंट लिखिए, इंसर्ट द एनवेलप, जो इस जिस एनवेलप पे या आपके पास कैश होगा वो आप इंसर्ट कीजिए, उसके अंदर भर दीजिए. अंदर भरने के बाद यू विल गेट ए रिसीट, आपको एक रिसीट वापस मिलेगा कि आप ने कितना
कितना पैसा डिपॉज़िट किया। अब ये डिपॉज़िट चैनल्स कहाँ कहाँ से हो सकती, एटीएम से जिसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं वहाँ से आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, चेक डिपॉज़िट हो सकता है, फ़ोन बैंकिंग हो सकती है, ये चेक ड्रॉप इन बॉक्स भी है होता है, इंटरनेट बैंकिंग होती है जिससे हम डिपॉज़िट कर सकते हैं अपना मनी, कैश डिपॉज़िट मशीन्स भी होती है जैसे कि एटीएम है या बाकी मशीन्स है जहाँ पे हम कैश अपना डिपॉज़िट कर सकते हैं अपने बैंक में। ये आप देखेंगे डिपॉज़िट जो अपना पे इन स्लिप होता है वो ऐसे होता है जैसे कि डेट है, ये एक बैंक की है, ये डिफर भी करती है अलग बैंक्स के लिए अलग अलग तरीक़ों से होती है, डेट, नेम ऑफ द अकाउंट नंबर, ठीक है ये आप देख सकते हैं, दिस इज ए डिपॉजिट सेविंग स्लिप। यहाँ नाउ ये हो गया डिपॉजिट, जब हमने पैसा भरना होगा, अब हमने पैसा विड्रॉ करना है, पैसा निकालना है, उसके लिए भी दो प्रोसीजर्स है, बहुत सारे प्रोसीजर्स है, ठीक है। तो यूजुअली एक तो डायरेक्टली हम बैंक में जाके विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, विड्रॉइंग चेक डाल के, रसीद डाल के तो हम विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा हम ATM मशीन से या बाकी मशीन से भी हम पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्टली तो हमने बैंक जाना है, वहाँ पे हमें विड्रॉल बाय फिलिंग विड्रॉल फॉर्म, हमें विड्रॉल फॉर्म वहाँ पे मिलेगा, उस पर फिलअप करना है, ठीक है, तो उस वो हमने वहाँ पे डालना है और हमें वापस पैसा मिलेगा। या दूसरी बात यह है कि हमें बाय चेक, हम चेक खुद भी ले सकते हैं या किसी और पर्सन को चेक देंगे और हम वो हमारे अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है, पैसा विड्रॉ कर सकता है। दूसरा ये कि बाय यूजिंग ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन हमें यूज़ होती है, यूजुअली हम आजकल देखते हैं जब भी हमें पैसा निकालना होगा तो हम ATM पे जाके पैसा अपना निकालते हैं। इट्स ए मशीन कंट्रोल प्रोसीजर, ए पर्सन ऑन ओपनिंग एन अकाउंट इज प्रोवाइडेड। तो जब हम किसी भी बैंक पे अपना अकाउंट खोलते हैं तो हमें वहाँ से वापस एक कार्ड मिलता है जिसको हम ATM बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं, ये कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उस कार्ड, वो जो डेबिट कार्ड भी उसको कहते हैं, तो वही कार्ड मशीन में इंसर्ट किया जाता है और वहाँ से अपना अकाउंट डीट, अकाउंट नंबर, ये जो अकाउंट नंबर के बाद हमने कैश कितना विड्रॉ करना है वो वहाँ पे इंसर्ट करना है, उसके बाद कि हमारा अकाउंट का नेचर क्या है, सेविंग है, कौन सा बैंक, कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, तो वो डिटेल भर के हमें वहाँ से अपने ATM कार्ड का अपना पिन दे देना होता है और हम वहाँ से विड्रॉ अपना कैश कर सकते हैं। ये विड्रॉल स्लिप है जिसमें आपका अपना नाम, अकाउंट डेट, अमाउंट और सिग्नेचर करना है। ये दिस इज़ द ATM मशीन, ATM मशीन से हम ये कर सकते हैं। या इसी तरह हमें ATM जो है ये भी हमारे पास एक डेबिट कार्ड होता है जिससे हम अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक से। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक, थैंक यू।